प्यारे स्टूडेंट्स, जो हम लोग पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे उष्मा का डेफिनेशन हम लोग देखे थे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। विद्युत शक्ति के बारे में पढ़े थे, शक्ति का चार फार्मूला होता है। वो चार फार्मूला, उस चारों का अलग अलग यूनिट, हालांकि मेन यूनिट क्या होता है, शक्ति कैसे मात्रक, वाट। चलिए, तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक देंगे महत्तम शक्ति प्रमेय। महत्तम मतलब हाईएस्ट, शक्ति प्रमेय एक टॉपिक्स है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि महत्तम शक्ति प्रमेय क्या होता है, किसको बोलेंगे महत्तम शक्ति प्रमेय। सबसे पहले इसको समझेंगे, तब हम लोग इसके अंतर्गत जो भी बात होगा उसको लिखेंगे। जैसे मान लिया कि कोई भी एक सर्किट है, परिपथ है, और परिपथ में, जैसे मान लिया कि एक परिपथ है और परिपथ में एक बल्ब हम लोग को लगा हुआ है। एक बल्ब जोड़ दिए यहां पे, एक बल्ब है, और इस बल्ब में एक प्रतिरोध है। इट मीन्स कि यहां पे प्रतिरोध जोड़ दिए, इसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है, और इसमें एक बैटरी है। इट मीन्स प्लस माइनस, ये बैटरी है। अब इस बैटरी के अंदर भी क्या है, एक प्रतिरोध रहता है जिसको हम लोग छोटा आर बोलते हैं। देखिए, अब अक्सर क्या होता है ना कि जो भी हम लोग बैटरी को जोड़ते हैं किसी भी सर्किट में, तो बैटरी का एक अपना प्रतिरोध होता है, यानी कि बैटरी के अंदर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग छोटा आर से डिनोट करते हैं। छोटा आर का मतलब हुआ वो बैटरी का प्रतिरोध, और ये कैपिटल आर का मतलब पूरा वायर में, यानी कि पूरे परिपथ में लगा हुआ बाह्य प्रतिरोध, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर को बाह्य प्रतिरोध, इसको बोलते हैं हम लोग बाह्य प्रतिरोध, और इसको बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी के अंदर लगा हुआ प्रतिरोध होता है, बैटरी के अंदर वाले प्रतिरोध होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और बाह्य जो सर्किट में लगा हुआ रहता है वो बाह्य प्रतिरोध होता है। अब हम लोग महत्तम शक्ति प्रमेय किसको बोलेंगे, तो महत्तम शक्ति प्रमेय का यही डेफिनेशन है, किसी भी परिपथ का वह शक्ति, वह महत्तम शक्ति जिसमें इसका बैटरी का प्रतिरोध, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि जिस कंडीशन में बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों अगर इक्वल हो गया, यानी कि दोनों बराबर हो गया, तब वो कहलाएगा महत्तम शक्ति प्रमेय, राइट। यानी कि कोई बोलेगा कि महत्तम शक्ति प्रमेय क्या है, तो हम यही बोलेंगे कि किसी भी परिपथ का वह शक्ति जिसमें बैटरी का अपना प्रतिरोध, जिसको आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, और कैपिटल आर यानी कि बाह्य प्रतिरोध जो पूरे परिपथ में लगा हुआ रहता है, अगर छोटा आर का वैल्यू बड़ा आर का वैल्यू के साथ बराबर हो गया, तब हम उसको बोलते हैं महत्तम शक्ति प्रमेय। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक देंगे, फर्स्ट एरो, अभी फिगर नहीं बनाना, पहले फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे फर्स्ट एरो देकर, किसी बैटरी द्वारा बाह्य परिपथ में उपलब्ध शक्ति को, बाह्य परिपथ में उपलब्ध शक्ति को महत्तम होने के लिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कॉमा बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, परिपथ में लगे प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। इस शर्त को महत्तम शक्ति प्रमेय कहा जाता है। चलिए, उसके नीचे ये फिगर को हम लोग बना लेंगे, जो भी फर्स्ट एरो देंगे उसके नीचे फिगर, और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे शक्ति का फार्मूला, यानी कि जो पावर का फार्मूला है वो क्या होता है, हम लोग कल ही पढ़े थे, आई स्क्वायर आर भी होता है, आई स्क्वायर आर होता है।
और यहाँ पे आई का जो वैल्यू पुट करेंगे इसका ईएमएफ यानी कि ये बैटरी है, बैटरी का विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से सूचित करते हैं, वी वा ब। इसका मतलब ये हुआ विद्युत, वी से विद्युत वाहक बल, तो ये कैपिटल ई जो है विद्युत वाहक बल को बताता है। तो आई बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना ओम के नियम से, वी बटा में आर करंट का फॉर्मूला। तो यहां भी क्या है उसका विभव विद्युत वाहक बल यानी कि ई बटा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध टोटल ना, एक बैटरी का अपना और एक टोटल, यानी कि कैपिटल आर प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू में आर, यानी कि इस परिपथ के लिए पी का वैल्यू हम लोग इतना भी रख सकते हैं, इतना। तो ई अगर विद्युत वाहक बल है बैटरी का अपना कुल क्षमता बटा में प्रतिरोध आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू में आर। ये तो हुआ महत्तम शक्ति प्रमेय, किसे कहते हैं, और यहां पे शक्ति का फॉर्मूला हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, इससे ये निकाला हुआ है। चलिए अब आगे हम लोग टॉपिक देंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे महत्तम शक्ति होने का शर्त, महत्तम शक्ति होने का शर्त। फर्स्ट आर देंगे, लिखेंगे किसी परिपथ का महत्तम शक्ति होने के लिए, किसी परिपथ का महत्तम शक्ति होने के लिए छोटा आर बराबर बड़ा आर होना चाहिए, होना चाहिए। फर्स्ट आर लिखना है, किसी परिपथ का अगर महत्तम शक्ति अगर होगा कब होगा, जब छोटा आर और बड़ा आर का वैल्यू बराबर होना चाहिए, या डीपी बट्टा डी आर बराबर जीरो होना चाहिए। डीपी बटा डी आर यानी कि पी का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो महत्तम शक्ति प्रमेय है। यानी कि जो फर्स्ट एरो देकर हम लोग लिखे हैं उसमें यही लिखे हैं कि महत्तम शक्ति का जो होने का शर्त है, यानी कि महत्तम शक्ति कब होगा, जब छोटा आर बड़ा आर के बराबर हो जाए या फिर डीपी बटा डी आर का वैल्यू जीरो हो जाए। चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि छोटा आर का वैल्यू बड़ा आर के साथ बराबर कैसे होता है। जरा बढ़िया से समझिएगा, यहां पे हम लोग क्या समझे चुके, डीपी बट्टा डी आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अभी अभी हम लोग पढ़े कि पी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी, अब इस पी के जगह पे हम लोग ई बट्टा छोटा आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू में आर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े ना पी बराबर आई स्क्वायर आर से ये फॉर्मूला, और बट्टा में कितना डी आर इज इक्वल टू जीरो। अब उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे ई का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये ई स्क्वायर है तो ऊपर का स्क्वायर ऊपर लिख सकते हैं, नीचे वाला का नीचे का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ई का स्क्वायर ई स्क्वायर बट्टा आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर इंटू में आर बट्टा डी आर इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम लोग एक और काम कर सकते हैं, यहां से ई स्क्वायर जो कांस्टेंट होता है, तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है उसको वैल्यू को हम लोग आगे निकाल देते हैं, जैसे ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो बनेगा ई स्क्वायर फिर डी फिर कौन सी, तो R ऊपर है तो R बटा R प्लस छोटा R का होल स्क्वायर बटा में dr बटा में dr इक्वल टू में जीरो। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं, तो यहां तो e स्क्वायर है तो इसको हम लोग e स्क्वायर कर देंगे, e स्क्वायर फिर इनटू, अब हम पे यहां पे सवाल आता है u बटा v का फॉर्मूला। आपको पता होना चाहिए जब इलेवेंथ में हम लोग कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो यहाँ बट्टा का रूल होता है,
क्या होता है बट्टा का रूल दिखा देते हैं, अगर आपको पता नहीं है लिख लीजिए। यू बट्टा वी का फॉर्मूला जो होता है डीएक्स रिस्पेक्ट में, पहले भी का स्क्वायर कर देते हैं, फिर भी को बाहर निकालते हैं, यू का डिफ्रेंसिएशन करते हैं माइनस, फिर यू को बाहर निकालते हैं, फिर भी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये रूल होता है किसका रूल, तो बट्टा वाला का। अगर हमको किसी भी कंडीशन में अगर डिफरेंशिएशन करना हो लेकिन ऊपर बट्टा हो तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे तो ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यू बट्टा वी, यू का वैल्यू आर है और वी का वैल्यू आर प्लस आर का स्क्वायर है, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे आर प्लस आर स्क्वायर भी ऑलरेडी है, अब इसका अपने से खुद से स्क्वायर करेंगे तो पावर टू तो ऑलरेडी पहले से है, फिर अगर पावर टू करेंगे तो दो का स्क्वायर चार, यानी कि आर प्लस आर का पावर फोर। अब उसके बाद क्या करते हैं, भी को बाहर निकालते हैं, तो भी तो पूरा है ना नीचे, आर प्लस छोटा आर का होल स्क्वायर को बाहर निकाल दिए। अब हम लोग आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में, तो डी आर बट्टा डी आर माइनस, इस बार हम लोग आर को बाहर निकालने वाले हैं कैपिटल आर को, तो आर को बाहर निकाल दिए इस पे, फिर भी का डिफरेंशिएशन, तो भी नीचे वाला है, यानी कि डी आर प्लस आर का होल स्क्वायर बट्टा में डी आर इक्वल टू में इधर जीरो। चलिए ये फॉर्मूला समझ में आ गया, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको साइड में, ये फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा तो। उसके बाद आपको पता है ना यहाँ ई स्क्वायर किस में है, गुना में है, ई स्क्वायर गुना में है, जब ई स्क्वायर है तो यहाँ पे जाएगा तो किस में होगा, भागा में होगा, यानी कि ई स्क्वायर जब इधर डिवाइड होगा तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू डी आर, और डी आर का वैल्यू कितना होगा वन, यानी कि डी आर को डी आर के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंसिएशन वन होता है, माइनस यहां आर इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, पहले चैन रूल, पावर में अगर टू रहता है आर प्लस आर का होल स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को पहले निकाल लेते हैं, टू इंटू आर प्लस आर, और फिर क्या करते हैं, टू इंटू आर प्लस आर हो गया, यानी कि आर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे ना कि एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो पावर में जो रहता है उसको बाहर निकालते हैं और एक्स के पावर में दो में से एक घटा देते हैं तो एक बचता है, यानी कि अगर हमको एक्स के पावर आठ का डिफरेंशिएशन करने के लिए मिलेगा तो यहाँ पावर में आठ है तो उसको पहले लिखेंगे, इंटू एक्स के पावर आठ में से एक घटेगा तो कितना बचेगा सेवन। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग आर का तो आर छोड़ दिए हैं, अब यहाँ पे पावर टू है तो टू को हम लोग बाहर निकाल लिए हैं, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, तो टू को जब बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच रहा है आर प्लस में आर। उसके बाद हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे दो है तो पावर तो एक घट के यहाँ एक लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ हो गया आर, और बट्टा में क्या, बट्टा में आर प्लस आर का क्या पावर फोर इक्वल टू में जीरो। चलिए इधर फिर मिटाते हैं क्योंकि ये हम समझाने के लिए लिखे थे। उसके बाद आर प्लस आर का स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे आर प्लस छोटा आर का स्क्वायर माइनस आर को टू से गुना कीजिए, तो यहाँ बच जाएगा टू आर इंटू कैपिटल आर प्लस छोटा आर बराबर जीरो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्यों जीरो हो गया, क्योंकि नीचे वाला मामला जब ऊपर उधर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं हम लोग कि ए स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू कैपिटल आर छोटा आर, अब इसको टू आर से इसको मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस माइनस टू आर का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस टू कैपिटल आर छोटा आर बराबर जीरो, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए।
अब आप देख पा रहे होंगे कि ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस में और एक माइनस में। तो अब बच क्या रहा है, तो यहाँ का आर स्क्वायर और यहाँ का माइनस टू आर स्क्वायर। तो एक इसको इसके साथ कैलकुलेट करेंगे, बड़ा आर है बड़ा आर के साथ, तो यहां हो जाएगा इसको इसको जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस में आर स्क्वायर प्लस ये प्लस आर स्क्वायर बच रहा है इक्वल टू कितना, जीरो। अब हम लोग काम करेंगे तो इस माइनस आर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो होगा आर स्क्वायर बराबर छोटा बड़ा आर का स्क्वायर, इसको हम लोग लेफ्ट साइड रखे हैं और इसको भेज दिए उधर तो प्लस आर स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग स्क्वायर इन दोनों में कट गया, इसलिए हम लोग को पता चला कि छोटा आर का वैल्यू बड़ा आर के वैल्यू के बराबर हो गया। यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि महत्तम शक्ति होने के लिए किसी परिपथ का महत्तम शक्ति हाई पावरफुल इफेक्टिव होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो यही यही वैल्यू चाहिए, छोटा आर यानी कि बैटरी का अपना आंतरिक प्रतिरोध और ये परिपथ में लगा हुआ प्रतिरोध कैपिटल आर, दोनों को इक्वल होना चाहिए। लेकिन उसके पहले डीपी बटा डी आर बराबर जीरो, इसी से हम लोग प्रूफ करते हैं। यानी कि डीपी बटा डी आर आपको मेन आपको याद रहना चाहिए और फिर जैसे जैसे किए हैं वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट हम लोग सुने भी हैं और सीखे भी हैं, तो यानी कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। तो इस प्रैक्टिस से आप इसको दो तीन बार रिवीजन कीजिए कि महत्तम शक्ति के लिए कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं छोटा आर का वैल्यू बड़ा आर के साथ। चलिए आपको हमेशा पहले इधर नोट करना है फिर इधर नोट करना है। चलिए उसके बाद जो हम लोग टॉपिक देंगे वो टॉपिक दिया जाए विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टॉपिक देंगे विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा। फर्स्ट एरो देंगे विद्युत ऊर्जा का, फर्स्ट एरो लिखेंगे विद्युत ऊर्जा में किसी परिपथ में किसी परिपथ में एक घंटे तक एक किलोवाट शक्ति का प्रयोग या उपयोग हो रहा हो तो उसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट एरो सेकेंड एरो लिखेंगे एक किलो वाट घंटा। के का मतलब किलो, डब्ल्यू का मने वाट, एच का मने आवर, घंटा। एक किलो वाट घंटा को ही विद्युत ऊर्जा के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट एरो एक किलो वाट घंटा को एक यूनिट भी कहा जाता है। उसके नीचे लिखेंगे अर्थात एक किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10^6 जूल।
चलिए अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसे मात्रक तो जूल होता है, लेकिन जो परिपथ में हम लोग यूज करते हैं विद्युत ऊर्जा वो किलोवाट घंटा के रूप में करते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पे एक सर्किट है, ये फिगर बनाना नहीं है, यहाँ पे बल्ब या फैन कुछ भी चल रहा है, यहाँ से आप बैटरी या फिर कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये एक घंटा तक अगर करंट चलेगा, एक घंटा में कितना शक्ति, एक किलोवाट, एक घंटा में अगर एक किलोवाट शक्ति अगर यूज करेंगे, एक किलोवाट घंटा, एक एक किलोवाट जो है शक्ति, क्योंकि वाट किसका ऐसा मात्रक है, शक्ति का, और यही किलो में बदल देंगे तो किलोवाट हो जाएगा, तो शक्ति का मात्रक, और ये टाइम समय। तो अगर एक किलोवाट की शक्ति एक घंटा तक अगर प्रवाहित किया जाए किसी भी सर्किट में तो वो कहलाता है एक किलोवाट घंटा, जो कि विद्युत ऊर्जा के रूप में मेजर किया जाता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो ऐसे मात्रक हुआ वो किलोवाट घंटा में भी मापते हैं, यूनिट में भी मापते हैं, लेकिन अगर आप जूल में बोले तो होगा 3.6 × 10⁶ जूल। राइट, अब इसमें आपको याद रखना होगा कि एक किलोवाट घंटा को ही एक यूनिट बोलते हैं। आप अक्सर घरों में जो इस्तेमाल करते हैं फैन फ्रिज कूलर, उसमें जो आता है बिल वो यूनिट पे आता है, कि कैसे यूनिट है भाई, तो 2 रुपए यूनिट, 4 रुपए यूनिट, 5 रुपए यूनिट। यूनिट का मतलब क्या, किलोवाट घंटा, है ना, कि यानी कि कितना किलोवाट घंटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा का, यानी कि विद्युत ऊर्जा का आप जितना यूनिट इस्तेमाल करेंगे, जितना यूनिट का मतलब एक यूनिट एक किलोवाट घंटा, और जितना रुपए यूनिट होगा, अगर मान लिया जाए कि 4 रुपए यूनिट है और डेली आप 5 यूनिट यूज कर रहे हैं, तो डेली आपका 20 रुपए बिजली बिल उठेगा, और वो महीने में काउंट होके और आपको एक बार बिजली बिल निकलता है। यानी कि जो बिजली बिल आता है वो यूनिट पे, और यूनिट का मतलब क्या समझना है, यूनिट का मतलब हुआ कि एक किलोवाट घंटा, अगर इसको जूल में बदलिएगा तो 3.6 × 10⁶ जूल आता है। तो इसके नीचे ये चारों तरफ से घेर देना है, और इसको याद रखना है कि एक किलोवाट घंटा ही एक यूनिट होता है, और एक यूनिट में इतना जूल होता है, चाहे एक किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। चलिए अब जरा हम लोग ये समझते हैं कि ये जो वैल्यू है वो कैसे आया, उसके नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे। चूंकि एक किलोवाट घंटा है, इसको लिख सकते हैं कि एक किलोवाट गुना एक घंटा, एक किलोवाट घंटा को हम अलग अलग लिख सकते हैं, और जानते हैं ना कि एक केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है, माने के हट जाता है और फिर जी बचता है,